हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो आज हम लंच में मिक्स दाल बनाने लगे हैं, वो भी हांडी में या पतीली में, आप जो भी कहते हो। तो गांव में लोग अक्सर हांडी में ही पकाते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैंने भी पकाना सीख लिया है हांडी में, और ये बहुत ही आसान है। आपको ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आप चूल्हे पर चढ़ाकर और दूसरा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है तुअर दाल या अरहर दाल, आप जो भी कहते हो। ये गांव के खेतों में लगे हुए थे इसके पेड़, उसी से कटकर ये तैयार हुआ है। बाज़ार के दाल जैसी इसमें चिकनाई दिखाई नहीं पड़ रही होगी। और इधर चना दाल है 50 ग्राम, तुअर दाल 100 ग्राम, चना दाल 50 ग्राम और लाल मसूर की दाल भी 50 ग्राम। इन तीनों को मिला लेंगे। और गर्म पानी से इसे धोना है 3 से 4 बार। आप जिस भी मौसम में दाल पकाते हो, दाल को गर्म पानी से ही धोएं। 2, 3 या 4 बार जितना बार भी धोना हो, तो आप हर बार गर्म पानी ही डालें। एक बार गर्म से धोए, आप दूसरी बार ठंडा से, तो उससे दाल अकड़ जाएगा और फिर जल्दी नहीं पकेगा, यहाँ तक कि कुकर में भी नहीं गलेगा। तो इस तरीके से चला कर और अब हाथों से मसल कर इसे धो लेना है। हमने 3 बार पानी डालकर धोया है और ये अब तैयार है हांडी में जाने के लिए। तो जिस हांडी में डालना है उसमें हमने पहले से ही पानी गर्म करके रखा हुआ है। तो धुला हुआ दाल को डाल देते हैं और इसमें अब जो मसाले पड़ने हैं वो है एक छोटा टुकड़ा प्याज का, आधा मुट्ठी लहसुन है और हरी मिर्चें हैं। इसे क्रश करना है, चाहे आप मिक्सी में कीजिए सिलौट में या फिर कुनी में कूट लीजिए। इधर 1.5 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून गोल मिर्च है, इसे पाउडर बनाना है। इधर अदरक है 3 टुकड़ा, इसे यूं ही डालना है, पीसना या क्रश करना नहीं है, अदरवाइज दाल का टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। मसालों को क्रश कर लिया है, 2 तेज पत्ता भी लिया है और पाउडर मसाले पीस चुके हैं, धनिया जीरा गोल मिर्च और हल्दी ऐड किया है 1 टीस्पून। दूसरी तरफ दाल उबल चुका है तो झाग को निकाल लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले अदरक का टुकड़ा, तेज पत्ता, पाउडर मसाले, और अब क्रश किए हुए मसाले थोड़ा हिला लेते हैं। एक टेबल स्पून सरसों का तेल और स्वाद अनुसार नमक, और अब इसे ढक दे, मीडियम से भी थोड़ा कम ही आंच को रखना है। 15 मिनट बाद हमने खोला है, 2 मिड साइज का टमाटर काट के डाल दिया है, थोड़ा हिला लेना है और फिर से ढक कर आधा घंटा पकाएंगे मीडियम से भी लो आंच पर। तो आधा घंटा बाद हमने खोला है और दाल पूरी तरीके से पक चुका है, या गांव की भाषा में गल चुका है। अब हम इसका बघार तैयार करेंगे, जिसमें 1 मिड साइज का प्याज है, छोटा टुकड़ा अदरक का, 5-6 कलियां लहसुन की, 3 से 4 हरी मिर्चें, इन सभी को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक छोटा कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल गर्म किया, उसमें बघार का सामान डाल देंगे
और इसे लो फ्लेम पे ब्राउन करना है चलाते हुए, क्योंकि बघार जब अच्छा तैयार होता है तो उससे दाल का स्वाद भी बढ़ जाता है। बघार को तैयार करने में हमें 6 से 7 मिनट लग जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। अब बघार ब्राउन हो चुका है, डालते हैं दाल के ऊपर, छोटा चम्मच से चला लेते हैं, क्योंकि अब बड़े चम्मच से ज़्यादा चलाएंगे तो दाल पूरी तरीके से घुल जाएगा और बघार डालने के बाद में, जब भी आप दाल बनाएं तो बघार डालने के बाद में 5 मिनट ढककर जरूर पकाएं मीडियम या फिर लो आंच पे, जिसके वजह से जो बघार की खुशबू है दालों में रच बस जाएगी। थोड़ा अब कसूरी मेथी डाला जो मेरे बगीचे का ही है, थोड़ा हिला लेते हैं और ढककर 5 मिनट पकाते हैं। पाँच छः मिनट हो चुका है और दाल अब पूरी तरीके से तैयार है। तो आप चाहे तो इसी स्टेज में धनिया पत्ता डाल सकते हैं। हमें पूरे दाल में नहीं मिलाना है, इसलिए आपको दिखाने के लिए जो निकाला है उसी में मिलाएंगे। और दाल का स्वाद बढ़ाने के लिए आप अपना पसंद के हिसाब से घी मिला सकते हैं, या फिर नींबू का रस मिला सकते हैं, या फिर चाट मसाला भी मिला सकते हैं, जिसे जो टेस्ट पसंद है मिला सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए।